बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोरियन स्टाइल फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दूध, 2 चीज़ स्लाइसेस, 1 अंडा और 4 ब्रेड स्लाइसेस हमें चाहिए होंगे। आपने जितने भी बनाने हैं आप उस हिसाब से चीज़ें लें। इसमें दूध में मैंने 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड किया है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। अंडा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हमने जो चीज़ स्लाइसेस लिए हैं हम उसको ब्रेड स्लाइसेस पे लगा लेंगे। अच्छी तरह से हम दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे चीज़ लगा लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे पे भी लगा लूँगी। आप चाहें तो 4 पार्ट्स में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो उस तरह से करें। अब हम इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें अपने फ्रेंच टोस्ट फ्राई करेंगे। अब हम एक एक करके स्लाइसेस को डिप करके पैन में ऐड करेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी पैन में डाल दूंगी। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखना है। एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है एक साइड से। जब दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें फ्रेंच टोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूंगी। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे कोरियन स्टाइल फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। ट्राई आप इसे ज़रूर करें, बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी टोस्ट बनते हैं ये। आप इसे नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।